तो हेलो दोस्तों, अब यार देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच ऐसे बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है और आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएंगे। क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है कि बीजमाई का क्या सिस्टम चल रहा है। 15 अगस्त को बीजमाई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी थी कि बीजमाई बैन होगा या फिर अनबैन, पर यार इससे रिलेटेड कुछ भी आया ही नहीं और उसके बाद से अब यार पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। और यार आप लोग मेरी एक बात से एग्री करोगे कि गेमिंग किसी भी एक गेम के सारे नहीं चल सकती, यानी अगर आपको भी एक रियल गेमर बनना है तो आपको और भी गेम्स को ट्राई करना होगा और में भी अपने आप को साबित करना होगा। और इससे गेमिंग तो ग्रो होगी, इसके साथ साथ हमें किसी भी एक गेम पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो यार इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार बनाते हैं एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मैं आप लोगों को पांच बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स के बारे में बताऊंगा जो कि प्ले स्टोर पर ही मौजूद होंगे। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा औसम होने वाली है, आप लोग वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार नंबर वन पे आता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो यार इस लिस्ट में मैंने नंबर वन पे रखा है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को, जो कि भाई बीजमाई के बाद बेस्ट बैटल रॉयल गेम है। हालांकि इस गेम की पॉपुलैरिटी इंडिया में अदर कंट्रीज की तुलना में कम है, पर फिर भी यार ये गेम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इसके जो मैकेनिक्स है भाई ऑसम है, ग्राफिक्स आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे, कलर्स आप लोग बहुत पसंद आएंगे, इसके जो मोड्स है मैप्स है बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और भाई अगर आप लोग बीजमाई खेल चुके हो तो आप लोगों को ये गेम डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और आप लोग बिल्कुल स्वाद आ जाएगा। तो यार मैं आप लोगों को जरूर से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार इस गेम को जरूर से ट्राई करना। देन नंबर टू पे आता है फ्री फायर मैक्स। तो यार इस लिस्ट में मैंने नंबर टू पे रखा है फ्री फायर मैक्स को। अब आप लोगों को पता ही है कि फ्री फायर बैन हो चुका है तो फ्री फायर तो रख नहीं सकते, और फ्री फायर मैक्स अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो मैंने इसलिए फ्री फायर मैक्स को रखा है। अब अगर इस गेम की बात आई गई है तो यार पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा प्ले किए जाने वाला गेम है ये, और बीजमाई से भी ज्यादा कहूंगा तो भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार फ्री फायर मैक्स गेम का फाइल साइज बहुत ज्यादा कम है और इसीलिए लो एंड डिवाइस पर भी इजिली रन कर पाता है, और इसीलिए 13 साल से 18 साल के बच्चों के बीच इस गेम का क्रेज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। हालांकि जो गेम है वो हर एज के गेमर्स खेलते हैं, ये गेम बहुत ज्यादा औसम है और भाई मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को जरूर से ट्राई करना। देन नंबर थ्री पे आता है एपेक्स लीजेंड्स मोबाइल। तो यार इस लिस्ट में मैंने नंबर थ्री पे रखा है एपेक्स लीजेंड मोबाइल गेम को, क्योंकि इस गेम को लॉन्च हुए तो अभी उतना ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर यार लोगों को ये गेम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स और गेम प्ले काफी ज्यादा औसम है। हालांकि इस गेम का फाइल साइज काफी ज्यादा है तो ये गेम हर एक डिवाइस के लिए तो नहीं है। अगर आपका डिवाइस 4GB रैम से ऊपर है तो यार आप लोगों को काफी ज्यादा ठीक ठाक चल सकता है, लेकिन अगर उससे नीचे है तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब चलेगा। पर फिर भी यार जिनके पास अच्छा डिवाइस है यार उनके लिए बहुत ज्यादा मस्त गेम प्ले देता है ये गेम और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। खैर यार ये भी एक औसम गेम है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को जरूर से एक बार ट्राई करना। देन नंबर फोर पे आता है फारलाइट 84। तो यार देखो इस लिस्ट में मैंने नंबर चार पे रखा है फारलाइट 84 गेम को, क्योंकि ये गेम को भी लॉन्च हुए अभी उतना ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर यार इस गेम का फाइल साइज भी मीडियम है, मतलब कि 800 से 900 MB के बीच में है साइज से, और इतने कम फाइल साइज में एक कमाल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने के कारण लोग इस गेम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे भी पर्सनली ये गेम काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यार ये गेम भी एक औसम गेम है, आप लोग इसको एक बार जरूर से ट्राई करना। देन नंबर फाइव पे आता है पबजी न्यू स्टेट। तो यार इस लिस्ट में नंबर पांच मैंने रखा है पबजी न्यू स्टेट को, क्योंकि यार जिस तरह हम लोग किसी भी काम को करते हुए अपना एक बैकअप रखते हैं, उसी तरह पबजी ने भी जब देखा कि हमारा गेम काफी कंट्रीज में बार बार बैन हो रहा है फिर उसको सही करना पड़ रहा है, तो उसी के चक्कर में इन लोगों ने एक बैकअप तैयार कर लिया जिसका नाम है PUBG न्यू स्टेट। ये गेम एक फ्यूचरिस्टिक गेम है और आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। हालांकि जो गेम है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम PUBG कॉन्सेप्ट रखता है पर इन फ्यूचरिस्टिक वे। इस गेम के जो मैकेनिक्स और ग्राफिक्स है वो PUBG से काफी ज्यादा अलग है, डिफरेंट है और आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेल चुके हो तो काफी ज्यादा उससे मैच करता है, लेकिन फिर भी ये गेम एक डिफरेंट वाइब देता है। PUBG न्यू स्टेट सही में PUBG न्यू स्टेट है और बहुत सारे गेमर्स इस गेम को खेलते भी हैं और एक औसम गेम है, तो मैं आप लोगों को जरूर से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को जरूर से ट्राई करना। तो यार ये थी मेरी पांच बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स इन प्ले स्टोर की लिस्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये लिस्ट काफी ज्यादा पसंद आई होगी क्योंकि सारे के सारे गेम्स बहुत ज्यादा औसम है। और अगर आपको इस लिस्ट का पार्ट सेकंड भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोग इन पांचों गेम्स में किस गेम को खेलने वाले हो मुझे आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। तो यार बस यही था आज की इस वीडियो पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप लोग नए हो ऐसी वीडियो डेली देखना चाहते हो गेमिंग से रिलेटेड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑल पे कर लेना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।